हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल एडुलुमिनी सेंस पर। आज मैं लेकर आई हूँ एक नया वीडियो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड, जिसमें कि मैं बात करूँगी रूल ऑफ एरोमेटिसिटी के बारे में। तो वैसे तो आप सभी जानते हैं कि इससे पहले मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं वो फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री रिलेटेड थे, बट अब मैं यहाँ से सेशन शुरू कर रही हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर, तो वो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। तो पहला टॉपिक जो मैंने यहाँ लिया है वो है रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। तो एरोमेटिसिटी का रूल क्या है, मतलब ऐसे कौन से कंपाउंड्स हैं जिनको हम एरोमेटिक कह सकते हैं, उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि एरोमेटिसिटी होती क्या है। एरोमेटिसिटी मतलब कोई भी कंपाउंड जो एरोमेटिक है उसकी स्पेसिफिक कैपेबिलिटी, वो हो गई एरोमेटिसिटी। बट अगर हम इसको डिफाइन करें तो वो क्या है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड प्लानर रिंग्स इन विच पी ऑर्बिटल्स अलाउ डीलोकलाइजेशन, साइक्लिक डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि एक प्रॉपर्टी है जिसमें कि जो sp2 हाइब्रिडाइज प्लानर रिंग्स होंगी उनके पाई इलेक्ट्रॉन्स जो कि कहाँ प्रेजेंट होंगे, पी ऑर्बिटल्स के पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो साइक्लिक डीलोकलाइजेशन शो करेंगे। मतलब वो एक तरह से अपना जो पाथ है वो चेंज करते रहेंगे, है ना, उनमें क्या रहेगा, रोटेशन चलता रहेगा। तो अगर इसके क्राइटेरिया की हम बात करें कि मीन्स कौन कौन सी ऐसी शर्तें हैं जिनको पूरा करने वाले कंपाउंड्स एरोमेटिक कहलाते हैं, तो उसके ऊपर से ही कुछ रूल्स हैं। रूल नंबर वन कहता है कि आपका जो कंपाउंड है वो साइक्लिक और प्लानर होना चाहिए। दूसरा जो रूल है वो कहता है कि जो पी ऑर्बिटल हैं वो पैरेलल होना चाहिए ताकि वो ओवरलैप कर सकें। तो इस बात का क्या मतलब कनेक्शन है, क्या होता है, तो मैं वो आपको समझाती हूँ। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं बेंजीन। हम सभी जानते हैं बेंजीन एक तरह का एरोमेटिक कंपाउंड है। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, 6 मेंबर्ड रिंग होती है, साइक्लिक रिंग होती है, तो इस तरीके का उसका स्ट्रक्चर होता है। ये जो मैं डंबल शेप बना रही हूँ ये पी ऑर्बिटल्स होते हैं। पी ऑर्बिटल्स को डंबल शेप से डिनोट किया जाता है। ये इस तरीके से पी ऑर्बिटल्स इसमें बने हुए रहते हैं, आपकी जो बेंजीन है उसमें। अगर हम देखें क्योंकि ये पैरेलल हैं तो ये एक दूसरे को इस तरीके से ओवरलैप करेंगे, अपर एज लोअर एज एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल है, अगर पैरेलल नहीं होते तो नहीं करते। तो यही ओवरलैपिंग जरूरी है एरोमेटिसिटी के लिए, उसका रूल नंबर टू यही है, ठीक है। तो इन दोनों के लिए तो बेंजीन मतलब चेक हो गया कि हाँ दोनों चीज़ उसमें है। अब हम बात करते हैं रूल नंबर थ्री की। इस रूल नंबर थ्री को हम हकल्स रूल भी बोलते हैं। हकल्स रूल ही एक्चुअली जो रूल ऑफ एरोमेटिसिटी है वो है हकल्स रूल, क्योंकि ये हकल ने दिया था सबसे पहले। तो उनका ये कहना था कि जो साइक्लिक पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं जो बनते हैं वो मतलब किससे बन रहे हैं, ओवरलैपिंग से बन रहे हैं, ना ओवरलैप से बन रहे हैं पी ऑर्बिटल्स के। उनके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हमेशा 4n+2 होगी, ठीक है। तो अब बात आती है 4n+2। तो यहाँ पे n का क्या मतलब है, यहाँ पे n का मतलब है कोई स्पेसिफिक इंटीजर, या हम कह सकते हैं कोई होल नंबर, फ्रैक्शन नहीं। 1/2, 3/2, 3/4 ऐसा नहीं होना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा हो सकता है। इसी को हम हकल्स रूल कहते हैं। अब एग्जांपल के लिए हम बेंजीन ले लेते हैं, क्योंकि बेंजीन हमारा फेवरेट एरोमेटिक कंपाउंड है। बेंजीन का स्ट्रक्चर ये रहा, हम सभी जानते हैं C6H6 होता है। इस तरीके से उसमें बॉन्ड्स होते हैं, 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। ये मैंने ड्रॉ कर दिया। अब इसके लिए हम देखते हैं ये रूल कितना सही और कितना गलत है। 4n+2 इज इक्वल्स टू पाई इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे हम पहले काउंट करेंगे कि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 छः पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट है। कुछ लोगों को यहाँ समझ नहीं आया होगा कि ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे आ गए बेंजीन में, तो वो चाहे तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उनके लिए डिटेल्ड स्ट्रक्चर का एक वीडियो ज़रूर डालूंगी जिसमें बताऊंगी कि किस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर सकते हैं। तो
अगर हम इस पूरे डेरिवेशन को सॉल्व करें तो हमको जो n की वैल्यू वो मिलेगी 1. 1 एक तरह का इंटीजर है, बोले तो होल नंबर है, तो इसलिए आपकी ये जो रूल नंबर 3 था उसको भी बेंजीन ने पास कर लिया है. मतलब कि बेंजीन पूरी तरह से एक एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि वो साइक्लिक भी है, प्लानर भी है, उसमें भी जो p ऑर्बिटल्स हैं वो पैरेलल होते हैं, ओवरलैप करते हैं, और n की वैल्यू इसमें 1 आती है. तो पूरी तरह से आप बोल सकते हो कि बेंजीन एक तरीके का एरोमेटिक कंपाउंड है. अब यही सेम चीज आप दूसरे रिंग्स में भी लगाकर देखिए. तो अगर ये जो लास्ट वाला जो 4n+2 इज इक्वल्स टू ये जो है पाई इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स का वो आपको शो करता है कि हाँ वो नंबर आता है, तो मीन्स आपका जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक है. तो अगर आपको कोई डाउट रह गए हों तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं अगले वीडियो में आपके सभी डाउट्स क्लियर कर दूंगी. हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ना हो तो भी पूछ सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक ज़रूर करें.